ओके गाइज, वी आर स्टार्टिंग द व्लॉग विद अवर रिचुअल। इसमें जो पुगता है उसको बाबा का मोबाइल मिलता है। देखते आज मुस्तफा का हैट्रिक होगा या फिर मोहम्मद जीतेगा। चले जी, हो गई बाबा पुके। इसको भी तो करने तो करो। जरा सा दिमाग लगाए। ये है मुस्तफा और हमेशा की तरह ये आज भी जीत गया। दोबारा हार गए उसका ये वैसे चीटिंग होती है। ये चीटिंग होती है। मुस्तफा बड़ी मेहनत करता है। ये है मोहम्मद और ये रोज अपने भाई से हार जाता है। यार क्या यार, मैंने ऐसे करना था लेकिन मेरा ऐसे हो गया। मुस्तफा से आप क्लासेस ले, मुस्तफा एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस बताते हैं। मैं ऐसे करता रहूंगा। प्रीमियम कोर्स भी आपको मिलेगा, आपको नॉर्मल कोर्स मिलेगा। मुस्तफा आप मोहम्मद को बता देना आपकी वो कुकने की जो क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस, उसके टाइमिंग बता देना। आप कैसे करते हो, आप बस कोर्स साइड लेते हो, आप कैसे करते हो? कैसे करता है? ऐसे आप ऐसे ही बस करते रहते हो। ये मुस्तफा ने करते हैं। मैं ऐसे करूंगा। आप तुम क्या करोगे? करते मैं ऐसे करूंगा। मुस्तफा ये तुमने क्या किया? मुस्तफा क्या किया? गाइस वी हैव शेफ उमर हियर और ये है उमर एज नोन एज बाबा। एंड ये अपना अल मशहूर और मारूफ हलवा बनाएंगे, स्पेशल। हाँ जी, जिसके लोग बहुत तारीफें करते हैं और हम फिर भी लोगों को नहीं खिलाते हैं। तो खिला देंगे। नहीं नहीं, ये तो अपने स्कूल लेके जाओगे। हाँ, स्कूल अपने कुलीग्स को खिलाऊंगी ना। उमर को हमने एक एक्स्ट्रा स्टोव प्रोवाइड किया बिकॉज किचन इज ऑक्यूपाइड। ओके, अच्छा उमर बताइए आपने क्या किया? ये पहले ऑयल डालना है, फिर उमर देखिए जो गार्ड से देखे आइए क्या डालना है और सॉरी क्या डालना है। ओके यस उमर, आपने क्या किया? अभी ऑयल गरम किया और सूजी डाली है। जी ऑयल गरम करके सूजी डाली है। सूजी फ्राई कर रहे हैं। सूजी को आपने पहले पानी में भिगोया था? नहीं नहीं, अच्छा अभी जस्ट फ्राई कर दिया। रेड कलर ओके, राइट कलर करना है। ओके उसके बाद जी आपने पानी डाल देना है। अच्छा आपने ऑयल डाला है या घी डाला है? देसी घी डाला। ओके स्पेशल। अभी हम इसके ब्राउन होने का वेट कर रहे हैं। तकरीबन हो ही गई है ना, कलर चेंज हो गया। वाइल के बाद में करना शुरू हो गया ना। शुरू हाँ और गाइस इस टेस्ट से ना बहुत मजे की आपको फ्रेग्रेंस ट्रांसफर हो जाएगी सूजी के फ्राई होने की। अब क्या हो रहा है? शुगर जाएगा, चीनी देसी जुगाड़ हो गया चीनी का। इसमें ना नॉन स्टॉप, अच्छा नॉन स्टॉप मिक्स करना है ना। पानी डालो, पानी बनाना है। अच्छा चीनी और पानी डालने के बाद इसकी ऐसी शेप हो जाएगी। हाँ और इस स्टेज पर हमने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है।
इसमें वी नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। अभी ऊपर से कुकर खुल गया, खुल गया। ये खुलेगा अभी भी नहीं खुल रहा। अब आपने इसको नॉन स्टॉप स्टेयर करते रहना है, होता है। फ्लेम तेज। One eternity later. तो ये इसे बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। इसलिए मैं भी हाँ हो गया भाई। टेन टू फोर डेज हो गया, डेज हो गया, मिनट्स हो गया। मीनवाइल खोया कटोरा, ये हलवा खोए के बगैर। लेकिन तुम लोग चीजों का फर्क ना लगाओ, लाइट्स के लाओ। इसमें हाथ थक जाता है बंदे का, ये रख पाता है ना। हाँ जी उमर, आप कैसा फील कर रहे हैं इतनी देर से हलवा पकाते हुए? बेहतरीन। मीन वाइल हम देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्या वंस मोर फुल पावर फुल पावर। जब इश्क हद से बढ़ जाओ, कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आ जाएगा। एक सेकंड में सॉफ्ट से करेंगे, किसका कॉपीराइट आएगा? पहले प्यार से कहो। इतनी बड़ी चपेट खाने के बाद ये चेयर लीडर बन गई मैं। सॉरी सॉरी। पाँव पढ़ो मेरे। तो हाँ छोड़ रखी था, फिर पढ़ूंगा। हाँ आगे छोड़। हाँ पढ़, पाँव पढ़। माफी मांगो अल्लाह। कहो जैफा, मुझे माफ कर दो। ऊपर व्लॉग में देख के कहो सब्सक्राइबर्स, सही सब्सक्राइबर्स, मैं जैफा से माफी मांग रहा हूँ। आइंदा मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। कुत्ता तुम क्या, रात बहुत ज्यादा खराब है बेटा। मां कुछ करते हैं मामा खान। गाइस अभी भी जैफा ने मोहम्मद के साथ तो मोए मोए कर दिया है ना। मोहम्मद क्या किया? नहीं मोए दिखा दें कैसे? नहीं नहीं, नहीं। मोए मोए अच्छा। ये वैसे हमें ये येलो बनाना था लेकिन ये न्यू जर्सी का रंग था और ये इसे ब्राउन कर दिया। नेवर माइंड। आप कितने टाइम रह गया अमर? बन गया? 10। अच्छा मज़ीद यहाँ पे भी आके हमने इसको मज़ीद 10 मिनट्स और स्टेयर करना है बहुत लो फ्लेम पे, नॉन स्टॉप आपने स्टेयर करते रहना। ये सब ज़रा टेस्टिंग हो गया, ये ठंडा होगा तब चेक करेंगे। गाइस तो हमने ये चेक किया कि हमें कितना और इसको फ्राई करना है या भूनना है जिसे कह सकते हैं। तो अभी है टाइम क्योंकि इसके ऊपर जब तक ऑयल आएगा नहीं तब तक हमने इसको फ्राई करना है। दिस इज द स्टार ऑफ द शो, खोया। आहा ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी के साइड्स पे हमें ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब है कि हमारा जो हलवा है वो फ्राई सही तरह हो गया है। अब बारी आती है खोए की। सो सॉरी गाइस, शोर की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। सो नाउ यहाँ पे हम खोया डाल रहे हैं और खोया पोर करने के बाद हमने इसको थोड़ा टाइम दम रख पे रखना था ताकि खोया और हलवा इकट्ठा एक दूसरे के साथ डिजॉल्व हो जाए। अच्छा अब इसके ऊपर खोया डाल के क्या करना है हमने? उसको ना ढकना देंगे ना। हाँ जी
हल्की हम छोड़ देंगे हल्का सा फ्लेम फ्लेम अच्छा फ्लेम ऑन करना है कितने टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए ओके थोड़ी देर बोले तो 5 मिनट के लिए ओके ओके फ्लेम अब तेज है और इसको बिल्कुल हम अब दम पे रखने वाले हैं ओके आपने बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करना है क्योंकि फैमिली इज अराउंड सो सॉरी गाइस हम एंड पिक्चर नहीं ले सके बट इट वाज डिलीशियस बस